हम क्लास थ्री, आज हमारा लेक्चर नंबर वन है क्लास थ्री का, प्लेस वीडियो है, पेज नंबर सेवन आपको मिल जाएगी। तो हमें कुछ सॉल्व करना है, उससे पहले समझना है प्लेस वीडियो होती क्या है। प्लेस जगह, वैल्यू कीमत, तो प्लेस वैल्यू जगह की कीमत। लेकिन हमें मैथ में बात करें, नंबर की बात करें, तो प्लेस वैल्यू जो हमें नंबर दे गए हैं उनकी वैल्यू बताएंगे, उनकी कीमत बताएंगे कि अगर कोई नंबर, कोई डिजिट किसी प्लेस पर है तो उसकी कीमत क्या होगी। सबसे पहले हम राइट इन हंड्रेड्स, टेंस एंड वंस, दिए गए नंबर को हमें हंड्रेड्स, टेंस और वंस में लिखना है, यानी कि इनको नेम्स लिखने होंगे। क्या लिखने? नेम्स लिखने। सबसे पहले फोर, हमें पता है कि हम लोग अपना शुरू करते हैं वंस, टेन, हंड्रेड से शुरू करते हैं, लेकिन जब हम लिखेंगे तो हम यहाँ से लिखेंगे हंड्रेड से। तो सबसे पहले नंबर जो हमारे पास क्या है, डिजिट है फोर, तो हमने किस में लिखना है इसको, हंड्रेड्स में। फोर फोर, हंड्रेड्स, एच यू, मेरे साथ लिखिएगा आप भी, एच यू एन डी आर ई डी एस। जब हम प्लेस की बात कर रहे हैं, याद रखिएगा, जब हम प्लेस की बात कर रहे हैं तो हंड्रेड के साथ एस लाजिम आएगा, लाजमी आएगा। अगर हम इसको एस नहीं लिखेंगे तो ये प्लेस हमारा शो नहीं होगा। प्लेस में हम इसको, इसमें एस लाजमी पुट करेंगे तो क्या हो, बन जाएगा फोर हंड्रेड। सेवन किस पर है, वन पर है, टेन पर है, हंड्रेड पर है, टेंथ पर है ना, तो हम क्या लिखेंगे, सेवन टेंस, यानी कि सेवन टेंस। आपके पास टेन के, टेन दस का नोट होता है ना, अगर सात दफा लेंगे तो कितने हो जाएंगे, सात दस के नोट रहेंगे ना, सेवन टेंस। अब हमारे पास लास्ट में क्या है, फोर, क्या है फोर, तो हमने क्या लिख दिया फोर। कौन से प्लेस पर है, वंस पर है, टेंस पर है, हंड्रेड पर है, वंस पर है ना, तो फोर फोर वंस। वंस किस पहले में पता है, ओ एन ई एस लगा दिया। अच्छा एक वंस की स्पेलिंग एक और होती है जिसमें हम भी बड़े कंफ्यूज होते थे, ओ एन सी वंस, ये एक मर्तबा है, तो आप अभी ये वाला वंस मत लिख दीजिएगा, हमने ओ एन वन लिखकर ही एस लगाना है। तो फोर वंस हम पढ़ लेते हैं, फोर एच यू एन डी आर ई डी एस, हंड्रेड्स, फोर हंड्रेड्स, सेवन टी ई एन एस, टेंस, सेवन टेंस, फोर वंस। कैसे पढ़ा हमने इसको, राइट, हमने इनको नंबर्स को लिख दिया, इनकी पोजीशन शो कर दी कि अगर हमारा नंबर वन के प्लेस पर है तो वो फोर वंस होगा, टेंस के प्लस पर है तो वो टेंस होगा, हंड्रेड के प्लेस पर है तो वो हंड्रेड्स होगा। अब हमारे पास है सेवन, सेवन आपको पता है कौन से प्लेस पर है, आप लिख सकते हैं एच यू एंड डी आर ई डी एस, हंड्रेड्स। हमारे स्पेलिंग तो चेंज नहीं हो रही, हमारे नंबर्स चेंज हो रहे हैं, सेवन है तो सेवन हंड्रेड है, फोर है तो फोर हंड्रेड से, अब यहाँ क्या आ गया फोर, तो हमारे पास क्या हो जाएगा फोर फोर टेंस, टी एंड एस टेंस। अब यहाँ फोर टेंथ हो गए, जबकि यहाँ नंबर में सेवन देंगे तो सेवन टेंथ पर, लेकिन यहाँ नंबर फोर है तो फोर टेंथ, और वन के प्लेस पे कौन सा नंबर है, फाइव, फाइव वंस, ओ एंड ई, फाइव वंस, फोर हंड्रेड, सेवन टेंस, फोर वंस, सेवन हंड्रेड, फोर टेंथ, फाइव वंस। अब देखें थर्ड में करूंगी, बाकी जो टू है इस पे। अच्छा अब आपने क्या करना है, यहाँ लिखना सी डॉट, थ्री के आप करेंगे,
सी डॉट लिख के जो मेरे साथ स्टार्ट कर दीजिए, सी डॉट लिख के 1 2 3 हम यहाँ करेंगे, और जो 4 और 5 है आप इसके बीच में लिख दीजिएगा ए डॉट, ये दो आप करेंगे। तो है, अब है हमारे पास नंबर जो है 3, तो हम क्या लिखेंगे 3 किस प्लेस पर है, 100 पर है, तो हम क्या लिख देंगे एच यू एन डी आर ई डी 100 और एस 300। 5 10 की प्लेस पर है तो हम क्या लिखेंगे 5 10s टी ई एन और एस। फिर बता रही हूँ जब हम अपनी प्लेस वैल्यू लिखते हैं तो इसमें एस लाजमी आता है, अगर हम एस लिखेंगे तो हमारी प्लेस वैल्यू शो नहीं होगी। लास्ट नंबर है इसका 6, तो हम क्या करेंगे 6 ओ ओ एन ई 1 और एस, तो क्या बन जाएगा हमारा 6 1s 300 5 10s 6 1s। तो अब हमने यहाँ पे 3 मैंने किए, आप अभी इसमें एडोट लिखे, बाकी 2 आपका होमवर्क है, अभी कर लीजिए मेरे साथ पेमेंट कीजिए। उसके बाद हमारी एक्सरसाइज है बी, राइट इन द प्लेस वैल्यू ऑफ कलर डिजिट। मेरे पास है मेरे कलर डिजिट, यानी कि जो नंबर कलर किए गए हैं, कलर यानी कि मार्कर से लिखे गए हाईलाइट कलर कर दिए गए आपको, उनकी प्लेस वैल्यू बताने, सबकी नहीं बतानी, क्योंकि हर नंबर की प्लेस वैल्यू, जैसे कि मैंने यहाँ लिखी थी सबकी प्लेस वैल्यू तो शो कर दी ना, लेकिन यहाँ पे सिर्फ कहा गया है कि आपने जिन नंबर को कलर किया गया उन्हीं के बताने। पहला नंबर हमारे पास है 1s 10s 100, हमें ये नहीं देखना, हमें सिर्फ कलर देखना है। कलर पर हमारे पास कौन सा नंबर है 5, तो 1s और 10s हमें पता है किस नंबर पर है 10, तो मैं क्या लिख सकती हूँ 5 10s। इसको हम 2 तरीके से लिख सकते हैं, 5 10s और 50, 5 10s और 50। सेकंड है हमारे पास 0 मंथ की प्लेस पर है, हमसे नहीं कहा गया इसकी बताए वैल्यू, 6 है, हमसे नहीं कहा गया 100, तो हमें पता है 1s 10s 100। जब मेरा फिगर 100 पर है तो मुझे पता होना चाहिए कि इसकी प्लेस क्या है 100, तो क्या लिखूंगा मैं 400 एच यू एन डी आर ई डी एस 100 और 400। अच्छा जी, अब मेरे पास 1s की प्लेस पर एक कलर डिजिट आ गया 7, तो क्या हो जाएगा 7 1s O N E S 7 1s और 7। अब 1s 10s 100 हम यहाँ कर चुके हैं, दोबारा कर लेते हैं 1s 10s 100। अब यहाँ नंबर क्या है 9, लेकिन हमारी इसकी प्लेस चेंज नहीं हो रही। अब यहाँ क्या आ जाएगा हमारे पास 900 H U N D R EDS 100 और 900। हमें पता है कि 100 में हमारे पास 3 डिजिट आते हैं, 1 में 1 डिजिट आता है, 10 में 2 डिजिट आते हैं, 100 में 3 डिजिट आते हैं। अब 1s 10s किस प्लेस पर है, 10s की प्लेस पर है, तो हम क्या कर देंगे 4 10s और 40। अब बाकी के जो है यहाँ पे मैंने 5 सॉल्व किए, अब बाकी आप इस पे एक जोड़ लीजिए, ये आपका होमवर्क है। डेट एंड डे के साथ लाजमी काम कीजिएगा, ताकि जब आप अगले स्कूल आएंगे तो हम आपको ये होमवर्क चेक करेंगे। आज हमने एक्सरसाइज ए और एक्सरसाइज बी सॉल्व कीजिए की है, तो ये एक्सरसाइज बी है हमारी पेज नंबर 7 पर, ये एक्सरसाइज ए है, ये हमने 2 सॉल्व किए, कुछ मैंने यहाँ 3 सम सॉल्व किए हैं, बाकी 2 आपने करने हैं, यहाँ मैंने 5 किए, बाकी आपने करना। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम अपने नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।